अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आ गया हूँ पार्ट टू लेकर के आपके सामने। अब आपको ज़्यारत कराएंगे साबिर पिया का। चलो अब चलते हैं, ये नहर क्रॉस करके हम आगे चलेंगे और साबिर पाक के दरगाह का ज़्यारत कराएंगे आपको, अंदरूनी मंजर और सब ज़्यारत कराएंगे। वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। चलो चलते हैं और ये नहर क्रॉस करके हम आगे चलते जाएंगे। नहर के सटा हुआ किनारे में भी एक मज़ार शरीफ है, उसका भी आप ज़्यारत करते रहिए और सलाम पेश करते रहिए। शाबिर या शाबिर बोलते हुए आगे बढ़ते रहिए और जितने भी दरगाह को आपको दिखाएंगे आप सब सलाम पेश करते हुए आप बढ़ते रहिए सामने। ये देखिए रास्ते का, ये सब दुकानें हैं दोस्तों। अब इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे और चलते हुए आपको जा रहे हैं, आपको फिर छोटी गेट से एंट्री करेंगे। आपको दूर से ही नज़र आ रहा होगा, वो देखो गेट, छोटा गेट है ये, यहाँ से एंट्री करते हुए जब आपको आगे ले चलेंगे फिर आपको मेन गेट से एंट्री करेंगे दरगाह के अंदर, फिर आपको शाबिर पाक के रोज़ा शरीफ का ज़्यारत कराएंगे। आप लोग ज़्यारत करिएगा, सलाम पेश करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको सब छोटी बड़ी जितनी भी दरगाह शरीफ है सब की ज़्यारत कराएंगे। देखो इंशाल्लाह, ये देखो छोटी गेट से हम एंट्री कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब चल रहे हैं आगे। रोज़ा शरीफ के बाहर भी एक मज़ार शरीफ है, छोटे 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 मज़ार शरीफ बने हुए हैं, अभी इनका भी आप ज़्यारत करिए सलाम पेश करते हुए आप आगे बढ़ना दोस्तों। चलो हम चल रहे धीरे धीरे आगे, फिर न्याज आज के लिए, फातिहा न्याज के लिए तबर्रुक लेना है, तबर्रुक लेकर के आगे हम जब एंट्री करेंगे मेन गेट से फिर आपको दिखाएंगे रोज़ा शरीफ। ये देखिए दोस्तों, ये वो दुकान है जहाँ पे आप यहाँ से लोग सीनियर तबर्रुक लेते हुए, आगे पीछे भी कई दुकानें हैं वहाँ से भी लोग ले सकते हैं अपनी अपनी हिसाब से। ये बड़ा है मेन गेट, इसमें कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बैठते हुए सलाम पेश करिए आप, करते रहिए। यहाँ पे भी मज़ार शरीफ है, मैं आपको साइड में, ये देखिए मज़ार शरीफ, छोटे मज़ार शरीफ हैं, यहाँ पे भी आप सलाम पेश करिए और करते रहिए, आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। चारों तरफ से मैं हर जगह जा जा करके आपको ज़्यारत कराएंगे, जितने भी मज़ार शरीफ हैं यहाँ पे भी सलाम पेश करिए। यहाँ पे भी मज़ार शरीफ है, आप देखते रहिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं जो जो भी है, जहाँ जहाँ भी है सब कुछ जाके आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे न्याज देने के लिए, फातिहा देने के लिए, ये सब बुज़ुर्गों के लगे हुए हैं तस्वीरात। अब देखते रहिए दोस्तों, हम आपको और अभी साबिर पाक के रोज़ा शरीफ की तरफ चलेंगे मेन गेट से। ये साइड में बगल में है रोज़ा शरीफ, यहाँ से आपको ज़्यारत करा के अब एंट्री, ये देखो बड़ा मेन गेट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन गेट पे हम बोसा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपके एंट्री यहाँ से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे भी छोटे हजार शरीफ है और वो गुलर जिस पे आपने 12 साल खड़े होकर के इबादत की, तमाम इसके भी मुजीजात हैं, हम आपको ये भी सब बता नहीं पाएंगे इस पर। बाकी आप देखिए, ये वो गुलर है, यही गुलर है, हम इसको भी रिपीट करके आपको दिखाते रहेंगे बार बार घूम घूम कर, वही गुलर है, यहाँ पे आपने 12 साल खड़े होकर के इबादत की थी। देखते रहिए दोस्तों, सलाम पेश करते रहिए। अभी हुजूर का रोज़ा शरीफ ज़्यारत करना, ये वही गुलर है दोस्तों, साबिर पाक के ज़्यारत करना, हक साबिर या साबिर। अब ये रहा
पाक साबिर या साबिर, ये है साबिर पाक के रोज़ा शरीफ। इसके हम चारों तरफ से आपको घूम के ज़्यारत कराते हैं, उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अंदरूनी भी मंजर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भाई खड़े हैं, पानी पिलाया करते हैं सबको, आने वाले जायरीन को तबर्रुक के तौर पे पानी पिलाते हैं। दोस्तों ये वही गूलर है जो दिख रहा है आपको सामने, वही गूलर है। सलाम पेश करते रहिए दोस्तों, ज़ियारत करते रहिए इंशाल्लाह। देखो कितना प्यारा मंजर है, कितना खूबसूरत हसीन। ये दोस्तों यहाँ पे लोग भूत परस्ती जो होते हैं, नज़रबंद जो भी हो, जैसा हो, सब भी यहाँ पे आते हैं अपनी अपनी दुआएं लेकर के, यहाँ पे हुजूर के गिरफ्त में आ जाते हैं और उनकी मुकम्मल तौर पे इलाज हो जाता है, शिफा मिलती है सबको। इनके रोज़े पे आके सबको शिफा मिलती है, साबिर पाक के रोज़े पे, जिसमें हमारे हिसाब से सब लोग भी गिरफ्त में हैं और दुआएं कर रहे हैं। देखते रहिए कितना प्यारा मंजर इंशाल्लाह। साबिर पाक का ये रोज़ा शरीफ, और बगल में ही मस्जिद शरीफ है, यहाँ पे आप नमाज शरीफ अदा करें और उसके बाद ज़्यारत करते रहिए दोस्तों इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं अंदर चल के आपको भी ज़्यारत कराएंगे। कितना प्यारा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक, माशाल्लाह। ये रहा रोज़ा शरीफ, ये आप देखते रहिए दोस्तों। ये वही गूलर है, ये गूलर देखो, गूलर शरीफ। सलाम पेश करते रहिए दोस्तों, ये देखिए सलाम पेश करिए दोस्तों। यहाँ पे ये हुजूर के अंदरूनी मंजर है, बाहर से हम आप ज़ियारत करा सकते, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से अंदर से हम आपको नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर कभी आएंगे और आपको ज़्यारत कराएंगे। ये अंदरूनी मंजर है, हुजूर के यहीं से भी आप सलाम पेश कर सकते हैं और रोज़ा शरीफ का ज़्यारत कर सकते हैं अंदर से। ये माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत नक्काशी की गई है, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा मंजर है। ज़्यारत करिए इंशाल्लाह, हम आपको हर जगह के छोटी बड़ी पूरी दुनिया में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जितने भी मजार शरीफ है सबकी ज़्यारत कराएंगे। ये वीडियो में आप लोग बने रहिए, दुआओं में याद रखना दोस्तों। हम आपके सामने हर तरह के अच्छे अच्छे भी मजार शरीफ का ज़्यारत कराते रहेंगे, अच्छे छोटे बड़े जितने भी मजार शरीफ है सबको सबका ज़्यारत कराएंगे आपको इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना दोस्तों, ये साबिर पाक के आपके मजार शरीफ का ज़्यारत किया इंशाल्लाह। दोस्तों मैंने आपको पार्ट वन में हज़रत इमाम अबू शाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यारत कराया। ये वहाँ पे पहली सलामी दी जाती है, वहाँ से हम जब आगे आएंगे तो फिर अपने साबिर पाक के ज़्यारत करेंगे, और यहाँ पे दूसरी सलामी बोला जाता है कि यहाँ पे दूसरी सलामी दी जाती है। तो वहाँ पे आपको मैंने वीडियो डाला था पहली सलामी का, उसके बाद आप ये दूसरी वीडियो दूसरी सलामी यहाँ पे आपने पेश किया। आप सलाम पेश करें, अपनी दुआओं में याद रखना और अपनी अपने लिए दुआ करें सब लोग, और दुनिया के लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह। आपको ये वही गूलर है दोस्तों, यहाँ पे आपने 12 साल खड़े, ये देखिए दोस्तों बाबा हैं। ये तेल देते हैं, ये सिराक का तेल है, तो लोग तबर्रुक के तौर पे लेते हैं और अपने चेहरे पे लगाते हैं इंशाल्लाह, अपने घर भी ले जाया करते हैं। अगरबत्ती है, अगरबत्ती की राख को भी अब तबर्रुक के तौर पे ले जाया करते हैं घर पे। यहाँ की हर एक चीज़ लोग तबर्रुक समझ के लिया करते हैं और ज़्यारत करते हैं। ये रहा हुजूर का रोज़ा शरीफ, अब ज़्यारत की मुकम्मल तौर पर आपको ज़्यारत कराया मैंने दोस्तों। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अब फिर मिलेंगे आपको किसी नए जगह पे और ज़्यारत कराएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।